हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी कुकी एकदम बेकरी स्टाइल, जिसे आप कराची बिस्किट के नाम से भी जानते हैं, जो कि हैदराबाद में काफ़ी फेमस है। यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर बारीक कटा हुआ काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टूटी फ्रूटी और काजू दोनों ही इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और बिलीव मी, मार्केट से भी ज़्यादा आप घर पर टेस्टी बेकरी स्टाइल कुकीज़ बना सकते हैं। तो इस रेसिपी में आपको लेना है यहाँ सॉफ्टेन बटर, इसे आप थोड़ा बीट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। अब पाउडर शुगर और बटर को मैं स्पैचुला से थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जब मैं इसे बीट करूँ तो इसके पाउडर यहाँ वहाँ ना उड़ने लगे। तो आपको इस स्टेज तक इसे बीट करना है, जब तक ये एयरी एंड फ्लफी ना हो जाए, देखिए इस तरह से। फिर आपको इसमें ऐड करना है एग, और साथ ही साथ आप इसमें ऐड करेंगे वलीना एसेंस। अब इन सब चीज़ों को आप वापस से अच्छी तरह से बीट कर दीजिए, जब तक कि ये एयरी एंड फ्लफी ना हो जाए, कुछ इस तरह से। साइड्स को मैं स्क्रैप कर लेती हूँ बीच में, और उसके बाद वापस से इसे मैं एक बार और बीट करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और फिर इसमें ऐड करेंगे मैदा, और उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए टूटी फ्रूटी, या फिर अगर आप कैश्यू डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद इसे स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, तो आपको इस तरह का कंसिस्टेंसी का कुकी बैटर मिलेगा। तो देखिए ये बहुत ही स्टिकी है। तो अब आपको एक क्लीन फिल्म लेना है और उसमें अपना सारा बैटर निकाल देना है इस तरह से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुकी डो इस तरह से क्लीन फिल्म पे निकाल लेना है, और उसके बाद स्प्रेड करते हुए इसे रैप कर देना है, और फ्रिज में इसे आधे घंटे के लिए रख देना है, या फिर आप इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हैं। इस बीच यहाँ पर आप या तो आप इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे सर्कल शेप भी दे सकते हैं। इस कुकीज़ को हम आइस पॉप कुकीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसे फ्रिज में सेट करके बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आफ्टर हाफ एन आवर मेरा कुकीज़ इस तरह से सेट हो चुका है। और इस बीच आपको अपना ओवन 150 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटिंग के लिए भी रख देना है। और अब हम यहाँ पर इसके चारों साइड पे मिल्क या फिर एग इस तरह से अप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसके चारों तरफ पे हम शुगर इस तरह से डस्ट कर देंगे। या तो आप यहाँ पर कैस्टर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर शुगर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आपको इसे बराबर साइज़ में इसको कट कर लेना है, और साथ ही साथ अपना नाइफ भी क्लीन कर लेना है, ताकि पहले का काटा हुआ वापस से इसमें ना चिपक जाए। तो ध्यान रखिए, ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखने की होती है। तो यहाँ पर सारे पीसेस हो चुके हैं, अब मैं इसे अपने ट्रे में डाल लेती हूँ, और फिर हम इसे बेक कर लेंगे 15-20 मिनट्स एट 150 डिग्री सेल्सियस पे। सो फ्रेंड्स, हमारा कुकीज़ बनकर के तैयार है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे इंजॉय करें। तो यहाँ मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा खस्ता बनकर के तैयार हुआ है, कितना ज़्यादा क्रंची बनकर के तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम कुकीज़ बना रहे हैं, तो आपका अपर एंड लोअर रॉड ऑन रहे, फैन ऑन रहे, और बताए हुए टाइम पे अगर ये बेक ना हो तो आप थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़े से थिक होते हैं, तो इसलिए ये यूजुअल कुकीज़ से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो मार्केट से बिस्किट खरीदना बंद करें और घर पर ही खुद फ्रेश बेक करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।